हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त पठान द्वारा आ गया हूं वीडियो के साथ। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एसीटोन है, गैस टॉर्च ग्लास, आपको समझ नहीं पा रहे होंगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आज की वीडियो किसके ऊपर है। सो आज की वीडियो में हम लाए हैं कॉपर वायर, और कॉपर वायर से हम आपको एक कॉपर वायर और एसीटोन मिलकर एक अच्छी चीज़ मतलब करते हैं, और वो आपको पूरी वीडियो देखना आपको पता चलेगी बहुत कूल सी ट्रिक है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें एक ग्लास में या किसी भी कांच की चीज़ में, क्योंकि वो कांच में ही दिखेगी, उसमें हमें एसीटोन डालना है। सो एसीटोन हमें डालना है इतना बहुत है। उसके बाद जो कॉपर वायर है हमारे पास, उसको कॉपर वायर है, शायद आप देख पा रहे होंगे, अभी दिखाता हूँ आपको पास से। इसको कुछ नीचे से ऐसे करके टाइट करके मोड़ देना है। अब जो ट्रिक है उसके लिए हमें लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, और लाइटें बंद चुटकी बजा के हो जाएगी, एक दो। सो ये हो गई लाइटें बंद, और अब हमें ये जो अपना कॉपर वायर है इसको हीट करना है। और इसके अंदर डालना है, सो आपने देखा इतनी कूल ट्रिक, जब हम कॉपर वायर को हीट करके एसीटोन के साथ ऐसे टच भी नहीं कर रहे हैं, बस उसमें डाल रहे हैं, तो कैसे वो ग्लो कर रहा है। और वो ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हमारा ये कॉपर वायर है ये एकदम अपने हाई टेम्परेचर पर चला जाता है, और जो एसीटोन होता है ये बहुत फ्लेमेबल होता है। तो जो इसकी एसीटोन की गैस होती है वो इससे रिएक्ट करती है, और इसको ये आग नहीं पकड़ पाती, बस उसको ये हीट इसको इंक्रीज़ करती है, और जिस वजह से वो ग्लो करता है, जैसे आपने अभी देखा स्क्रीन पे जब हम इसमें ग्लास में डाल रहे थे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में ऐसे आइडियाज देते रहें। और जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।